मेरा जन्म में ननेरे हुए थे, तो उससे मान लो घर वालों ने पढ़ने का निर्णय लिया, दादा दादी है, माँ बाप है। उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत जिंदगी के साथ संघर्ष किया, तो मैंने स्कूल में दाखिला के लिए मैं मास्टर के पास गया था। मास्टर ने स्कूल में दाखिला देने के लिए एक बार इनकार कर दिया। उसी टाइम में मैं मायूस हो गया। फिर सोचा मैं कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन घर की स्थिति जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, इसलिए घर वाले भी नहीं पढ़ा सके। ये टेलरिंग का काम जी मेरे को हो गया समझे 22 साल। और पहले चोट तो पहले बात ये है जी, जब मैं टेलर के पास गया था फतेहाबाद, तो वो मेरे को सिलाई सिखाने के लिए भी नट गया था, भाई तेरे हाथ भी नहीं है तू सिलाई कैसे करेगा। लेकिन उनको मैं बोला तो एक बार तो मेरे को रख देख ला, तो टेलर ने कहा आ जाए कर, यहाँ कमरा बहुत काफ़ी बड़ा है, तो एक पास साइड में तुम भी बैठे रहे अगर। मैंने जिंदगी के साथ संघर्ष किया, आस्ते आस्ते सिलाई कर थोड़ी बहुत सीखी, तो मेरे उस्ताद जी कहने लगे 10-15 दिन के अंदर कहने लगे जी तुम कामयाब हो जाएगा। तो मेरे दिल के अंदर बहुत हौसला हुआ। 7-8 महीने मैं टेलर के पास काम किया जी। उसके बाद में उस्ताद जी ने मेरी थप्पी मार दी, बोले तुम कामयाब हो जाएगा बिल्कुल 100 का 100। मैं 1 साल से उस्ताद जी के पास रहा। उस्ताद जी ने बाद में बोला कि जाओ गांव में दुकान कर लो और आपका कमा के खाओ। मैंने गांव में आकर दुकान खोली जी। दुकान खोली उस टाइम में मैं गेट बंद करके सिलाई करा करता था जी। तो आस्ते आस्ते किसी को पता नहीं, या फिर आस्ते किसी को पता चला तो जो मेरे पास कोई आता नहीं है जी, भाई ये तो कभी पैरों से सिलाई करेगा कपड़े खराब नहीं कर दे जी। फिर आस्ते आस्ते मान लो दुनिया को मैं विश्वास जीता। उसके बाद में अब मेरे पास तो आते हैं जी, काफ़ी लोग आते हैं जी, अब वो पहली बात नहीं है जी, सभी को मैं विश्वास दिला चुका हूँ। तो अब मेरे मैं अच्छी सिलाई अच्छा काम करता हूँ, सभी मेरे से करवाते हैं जी काम।